अस्सलाम वालेकुम। आज का आपके सामने H1 की डैशबोर्ड यानी ओपन करेंगे, कोली कॉइल इसकी चेंज करनी है। तो कैसे इसका डैशबोर्ड ओपन होगा आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो इंशाल्लाह शॉर्ट होने वाली है, तो आपको शॉर्ट वीडियो में पूरी तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने कैसे खोलना है, क्योंकि ये कम्प्लीट नहीं बाहर आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, तो इतना ईजी भी नहीं है, तो नॉर्मल से काम है। एक घंटे के अंदर अंदर ये फिनिश होने वाला काम है। ठीक है, तो आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपको हर तरीके से हर चीज़ बताएंगे। ये ओपन कर चुके हैं ऊपर वाला। ठीक है, इसके बाद ये है हमारी कूलिंग कॉइल। ठीक है, तो भाई ये राड थोड़ा सा पीछे करेंगे, राड खोलेंगे, राड खोल के पीछे थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद ये कूलिंग कॉइल आ जाएगी, क्योंकि हीटर वगैरह इसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये कूलिंग कॉइल आ जाएगी। एक यहाँ बोल्ट होता है, एक यहाँ यहाँ बोल्ट होता है, एक यहाँ होगा, उसके बाद ये रॉड के हैं पीछे का, फिर ये पूरा रॉड। ये देखिए, थोड़ा सा राड पीछे किया, अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, किधर होता है ये, ये फिटिंग हो रही है, तो फिटिंग के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कैसा सीन है। ये पुराना कूलिंग कॉइल ये नहीं चला जाए। ये देखिए, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये गैस फिलअप की है 800 ग्राम। ये मैंने तरीका अपलोड किया हुआ है चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ।